भोपाल की गोविंदपुरा सीट से भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर के नए बयान ने सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कृष्णा गौर ने कहा कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई तो महिलाएं करवा चौथ का पर्व नहीं मना पाएंगी। कांग्रेस की सरकार बनी तो नवरात्रि और दिवाली भी लोग नहीं मना पाएंगे। कांग्रेस सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। यह बयान सामने आने के बाद कृष्णा गौर के खिलाफ कांग्रेस ने धार्मिक भावनाएं आहत करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला दर्ज करने की अपील की है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भी चरम पर ही था कि कृष्णा गौर के बयान ने एक नया बवाल खड़ा कर दिया है। गोविंदपुरा विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी कृष्णा गौर ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी सनातन धर्म को खत्म करना चाहती है। अगर कांग्रेस पार्टी सरकार में आ गई तो मध्य प्रदेश में कोई नवरात्रि दिवाली नहीं मना पाएगा। कृष्णा गौर के इस बयान के बाद कांग्रेस ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने और आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज करने की मांग की है। चुनावी शोर में दब जाते हैं कई बार असल मुद्दे, अनसुना किया जाता है जनता की आवाज, स्वागत की बंधनवारों के पीछे का सच, शिलान्यास के पत्थरों से पथराई आंखों की हकीकत। हमारे साथ दखल न्यूज़ पर।